जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छत्तीसगढ़ पुलिस में 11 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हो। डेट बढ़ा दिया गया है। स्टूडेंट और अनुसूचित जनजाति के युवाओं को लंबाई और सीने में चौड़ाई में छूट दिया गया है। अब 163 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले भी होंगे भर्ती। ये स्टूडेंट आपको पता समझ आ गया होगा कि एग्ज़ाम डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। ये एग्ज़ाम डेट गया है 11 नवंबर तक। तो जो बच्चे अब तक फॉर्म नहीं भरे हैं उनके पास मौका है, जाइए फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के युवाओं को लंबाई और सीने में छूट दिया गया है। 163 सेंटीमीटर ऊंचाई के लोग भी भर सकते हैं फॉर्म। इसका पूरा डिटेल मैं अगर आपको पढ़ के बता दूं तो अच्छी बात है। इसमें जो न्यूनतम जो ऊंचाई कर दी गई है अनुसूचित जनजाति में पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर तय किया गया है और सीना बिना फुलाया 78 और फुलाने के बाद 83 सेंटीमीटर तय कर दिया गया है। तो जो बच्चे अब तक इसका कलते फॉर्म नहीं डाले हैं या जो बच्चे फॉर्म डालने का सोच रहे थे, जल्दी से जाइए फॉर्म को डाल दीजिए। मैंने अभी जस्ट न्यूज़ को देखा है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो बच्चे फॉर्म नहीं डाले हैं है ना, वो जाइए डालिए, लेट मत करिए। अगर आपके पास आसपास कंप्यूटर सेंटर है फॉर्म को डाल के फिलअप करिए, इसका एग्ज़ाम दीजिए। ये पर्टिकुलर बहुत ही सीरियसली वैकेंसी है, इसके एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी जाइए। मैंने आपको डिटेल दिखा दिया है, उस डिटेल के थ्रू जाकर सिर्फ आपको आवेदन करना है। 11 नवंबर शाम को 5:30 बजे तक ही आवेदन कर सकते हैं, जो कि मेरे पास एक न्यूज़ का डिटेल आया हुआ है। 975 पदों की भर्ती थी, जिसका देखा जाए तो अच्छी बात है कि हर चीज़ को ये आगे बढ़ा रहा है। अच्छा, यहाँ पे आवेदन करने के लिए स्नातक के लिए याद रखना कि जो मतलब जो ट्रेड वाले हैं, 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ों में दिया हुआ है, वो चेक कर लेना। कह लूँगा जो कंप्यूटर करते रेडियो के लिए डालेंगे और फिंगरप्रिंट डालेंगे, उन्हें चेक जरूर करके डालना अपना कि आप आते हो कि नहीं आते हो करके, है ना। तो डेट बढ़ चुका है, जाइए और अभी के अभी अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट।